राष्ट्रहित में अब वो खबर जहां राजधानी दिल्ली में हवा के प्रदूषण से निपटने के लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कहा कि हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए सोमवार से इमरजेंसी प्लान लागू किया जाएगा। बता दें कि हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने का संकेत मिलने के बीच कई कदम उठाए जाने की योजना है। आपात योजना यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GREP के तहत शहर में वायु गुणवत्ता के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं अधिकारी ने बताया कि यदि हवा की क्वालिटी बेहद गंभीर पाई गई तो उन सड़कों की पहचान की जाएगी जहां सबसे ज्यादा डस्ट उड़ती है, उन पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। वहीं यदि हवा की गुणवत्ता गंभीर और इमरजेंसी स्तर की पाई गई तो दिल्ली में ट्रकों के एंट्री निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी और इस दिशा में कोई भी कदम उठाने के लिए टास्क फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। स्थिति गंभीर होने पर स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं आपको सुनाते हैं कि दिल्ली प्रदूषण मामले पर दिल्ली BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है। चाहते हैं कि पराली जले और दिल्ली गैस चैम्बर बने, क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद ही में प्रदूषण है अपने आप में। तो वो तो हमेशा चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण हो, परेशानियां हो, महामारी हो, सब कुछ हो, और वो एक लाइन में आके कह देंगे जी मोदी जी का दोष है। पराली को अगर उनको, जैसे कल भी एक पराली के किसान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हम लोगों को इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि इतने बड़े प्रदूषण से लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, आप जो पराली जलते उसको खरीद लो ना, उसकी एक योजना बना लो, जितना पैसा लगा करके आप उस प्रदूषण को, उस परेशानी को नहीं दूर कर पाओगे, उससे बहुत छोटे से खर्चे में उन किसानों की पराली को खरीद लिया जाए, उसमें सभी लोग बैठ करके बैठ जाए, वो किसान क्या करे, उपराली अपने सर पे लेके घूमे। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में हवा के प्रदूषण से निपटने के लिए जो इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू किया गया है वो क्या है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है और अगले कुछ दिनों में ये बहुत ही खराब श्रेणी में जा सकती है। जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है। इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू करने पर अब मंथन भी शुरू हो चुका है कि किस तरह से इसे लागू किया जाए। संकेत मिलने के बीच कई कदम उठाए जाने की योजनाओं पर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। कचरा फेंकने वाले स्थानों पर कचरा जलाने पर रोक लगेगी। अब कचरा जलाया नहीं जा सकेगा वहां पर। ईंट भट्टी और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी नियमों को लागू किया जाएगा। डीजल से चलने वाली जनरेटर मशीनों का इस्तेमाल में रोक लगाया जाएगा, इन्हें रोक दिया जाएगा। ज्यादा धूल उड़ती है तो उस जगह पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। दिल्ली में पुराने ट्रकों का प्रवेश रोका जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बुरी स्थिति आ जाती है और उस लेवल पर अगर पाया जाता है तो जो ट्रक है उनके प्रवेश को भी दिल्ली के अंदर रोका जाएगा। तो प्रदूषण के खिलाफ इमरजेंसी प्लान ये है जिसे अब लागू किया जाएगा। और चलिए साथ राष्ट्रहित में बस